हाय स्टूडेंट्स, अपन डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक्स के बारे में, अनुवांशिकी के ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे। मेंडल के जो वंशागति का नियम है वो अपना चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर रखा था, और इस चैप्टर के अंदर अपन ने वंशागति से रिलेटेड अपने जितने भी नियम थे वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, एंड जितने एक्सपेरिमेंट थे मेंडल के वो भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अपनी इस लेसन का, अपनी इस चैप्टर का क्या चल रहा है, ये अपना लास्ट टॉपिक चल रहा है मेंडलवाद का विचलन, जिसमें अपन ने कुछ पॉइंट जो थे वो कंप्लीट भी कर लिए थे। तो आज जो होगा ये अपना लेसन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जेनेटिक्स का ये जो लेसन है, ये मेंडलवाद का जो वंशागति का नियम है, ये ओनली ये चैप्टर कंप्लीट होगा। आगे जेनेटिक्स के दो चैप्टर हो रहे हैं अपने, उनके बारे में अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अपन ने स्टार्ट कर रखा था मेंडलवाद के विचलन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और मेंडलवाद के विचलन में अभी तक अपन कितना कुछ स्टडी किया है, अपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था, अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में अपन ने कोडोमिनेंस के ऊपर स्टडी की थी, सह प्रभाविता के ऊपर अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद में अपन ने बहु विकल्पी एलील के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं इसके ऊपर अपन ने स्टडी की थी। देन उसके बाद में आया था अपना लेथल जीन, घातक जीन के बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में बहु प्रभाविता, एंड आज जो अपन स्टार्ट करेंगे, लास्ट वीडियो था अपना बहु प्रभाविता के ऊपर, पॉलियोट्रोपी जो था, बहु प्रभाविता, वो अपना लास्ट वीडियो था। आज जिस टॉपिक के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे वो टॉपिक अपना कौन सा होगा, बहुजीनी या फिर मात्रात्मक वंशागति, ठीक है। मेंडलवाद का विचलन जो है ये अपन ने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था अपूर्ण प्रभाविता के ऊपर। सेकेंड था अपना सह प्रभाविता। थर्ड नंबर पर अपन ने देखा था बहु युग्म विकल्पी, बहु विकल्पी एलील। ठीक है, फोर्थ नंबर पर अपन ने क्या पढ़ा था, घातक जीन। फिफ्थ नंबर पे किस पे डिस्कस किया था अपन ने, बहु प्रभाविता, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सब कुछ अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अपने आज के लेसन में अपना एक नया टॉपिक लेके चलते हैं। सिक्स नंबर पे अपना टॉपिक जो है वो कौन सा है, बहुजीनी या मात्रात्मक वंशागति। इस चीज के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कि पॉलीजीन्स क्या होते हैं, ठीक है। बहुजीनी या फिर मात्रात्मक वंशागति, बहुजीनी को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीजीन कंडीशन। अब स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में बहुजीनी किस प्रकार से विचलन है, आप इस चीज को देखिए। बहुजीनी का क्या मतलब होता है, नॉर्मली मेंडल ने एक चीज बताई थी, मेंडल ने क्या बताया था, एक जीन जो होता है वो एक लक्षण निर्धारित करता है, ठीक है। और जब ये एक जीन जो अपना एक लक्षण को निर्धारित करता है, तब इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एकल जीनी वंशागति बोला जाता है, ठीक है। एकल जीनी वंशागति अपन किस चीज को बोलते हैं, एकल जीनी वंशागति। एकल जीनी वंशागति उस कंडीशन को बोला जाता है जब एक जीन ओनली एक लक्षण को निर्धारित करता है, ओनली एक लक्षण की वंशागति पर अपना इफेक्ट रखता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एकल जीनी वंशागति। और ये चीज किसने बताई थी, ये बात मेंडल ने बताई थी, ठीक है। मेंडल ने ये सब कुछ बताया था ना कि एक जो अपना जीन होता है वो एक लक्षण पर अपना प्रभाव रखता है। बट यहाँ पे बहुजीनी कंडीशन में या फिर मात्रात्मक वंशागति में क्या होता है, बहुजीनी जो वंशागति होती है, बहुजीनी वंशागति में क्या होता है, अपना जो एक लक्षण होता है, अपने एक लक्षण के ऊपर अलग अलग जीनों का प्रभाव होता है, वो कंडीशन होती है बहुजीनी। बहुजीनी का मतलब बहुत से जीन, और ये बहुत से जीन किसको निर्धारित करते हैं, एक करेक्टर को निर्धारित करते हैं, एक लक्षण पर अपना इफेक्ट रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से विचलन का कार्य करता है। देखिए यहाँ पे बहु प्रभाविता जो अपनी कंडीशन थी, बहु प्रभाविता में अपन ने किसके ऊपर डिस्कस किया था, मैंने कल आपको बताया था, ये एक दूसरे का थोड़ा ऑपोजिट है, तो इसमें मतलब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। बहु प्रभाविता के अंदर ये चीज होती है कि अपने एक से अधिक जो लक्षण होते हैं, उन एक से अधिक लक्षणों पर एक जीन का इफेक्ट होता है, ठीक है। एक जीन जो होता है वो एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करता है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, बहु प्रभाविता बोलते हैं। और जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करता है ना, उस जीन को क्या बोला जाता है, उस जीन को बहु प्रभावी जीन बोला जाता है, ठीक है। पॉलीट्रोपिक जीन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बहु प्रभाविता के अंदर है कि एक जीन एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करता है। बट बहुजीनी या फिर मात्रात्मक वंशागति में क्या हो जाता है, इसका ऑपोजिट हो जाता है। किस प्रकार से,
एक ही लक्षण के ऊपर बहुत से जीन अपना इफेक्ट रखते हैं, बहुत से जीन अपना प्रभाव डालते हैं एक लक्षण के ऊपर, उस चीज को बोला जाता है बहुजीनी या फिर मात्रात्मक वंशागति। फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी इस चीज को समझे तो मनुष्य में त्वचा का कलर, ठीक है, मनुष्य में जो त्वचा का कलर होता है एंड जो अपने गेहूं के दानों का जो कलर होता है, ये क्या होते हैं, ये अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित अलग अलग जो जीन होते हैं ना, वो कंट्रोल करते हैं इस लक्षण को, त्वचा के रंग को। मनुष्य में त्वचा के रंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित अलग अलग जीनों के द्वारा। सिर्फ ये एक लक्षण निर्धारित किया जाता है, इस एक लक्षण की वंशागति पर अपना इफेक्ट रखता है, ठीक है। अब अगर अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पर स्टूडेंट डिस्कस करें तो अपना नेक्स्ट क्या आएगा, गुणसूत्र या फिर लिंग निर्धारण, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गुणसूत्र तथा लिंग निर्धारण। अब इसमें क्या होता है, लिंग निर्धारण गुणसूत्र कौन से होते हैं, कुछ जीवों के अंदर विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, वो विशेष प्रकार के गुणसूत्र ही क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं, और वो गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं या फिर सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। और अपने जो ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जितने भी मतलब मनुष्य के अंदर अगर अपन बात करें, अपने जो अपना जो लेसन है इसके अंदर मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण की प्रोसेस बता रखी है, तो मनुष्य के अंदर अपने सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अपने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। लिंग गुणसूत्रों के अलावा बाकी जो अपने बचे हुए गुणसूत्र होते हैं ना, उन बाकी बचे हुए गुणसूत्रों को क्या बोला जाता है, एलिंग गुणसूत्र बोला जाता है, या फिर इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं अपन, ऑटोसोम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब आगे अपने मानव में लिंग निर्धारण दे रखा है, मानव में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, इस चीज पर अगर स्टूडेंट्स अपन डिस्कस करें तो मानव के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, टोटल 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, 23 जोड़ी पाए जाते हैं क्रोमोसोम। टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम, 46 गुणसूत्र मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें पुरुष के अंदर क्या होता है, पुरुष के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना अपने, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, वो आकारी की दृष्टि से असमान होते हैं, ठीक है। पुरुष के अंदर या फिर मेल के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं अपन, लिंग गुणसूत्र पुरुष के अंदर आकारिक की दृष्टि से असमान प्रकार के होते हैं। और कौन से होते हैं पुरुष के अंदर क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम पुरुष के अंदर एक्स वाई होते हैं, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। पुरुष के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और महिला के अंदर, फीमेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्त्री के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम अपने क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो एक्स वाई क्या हो गया, अपना आकारी की दृष्टि से असमान है ना, ये विषम युग्मकीय कंडीशन बोला जाता है इसको, हेटेरोगैमेटिक कंडीशन बोलते हैं अपन जिसे इंग्लिश में, ठीक है। तो पुरुष के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 44 प्लस एक्स वाई, 44 जो है वो अपने एलिंग गुणसूत्र है, और यहाँ पर एक्स वाई, सॉरी ये हर बार मेरे से मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पर कैपिटल वाई आएगा, ठीक है। एक्स और वाई कंडीशन जो है ये अपना क्या है, ये लिंग गुणसूत्र है, ये एलिंग गुणसूत्र है, ठीक है, ये अपने एलिंग गुणसूत्र है और ये लिंग, ये सेक्स क्रोमोसोम है और ये ऑटोसोम क्रोमोसोम है अपने। महिला के अंदर अगर बात करें तो 44 प्लस डबल एक्स, ये क्या है, ये इसके सेक्स क्रोमोसोम है, लिंग गुणसूत्र है। 44 जो है ये अपने क्या है, एलिंग गुणसूत्र है। तो 44 प्लस 2 ये हो गए, तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए। अपनी जो महिला होती है, फीमेल जो होती है, स्त्री के अंदर ये आकारी की दृष्टि से समान होते हैं, दोनों ही क्रोमोसोम जो होते हैं, लिंग गुणसूत्र जो होते हैं महिला के, वो समान होते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, होमोगैमेटिक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हेटेरोगैमेटिक, ये विषम युग्मकीय कंडीशन है, ये सम युग्मकीय कंडीशन है। अब अगर अपन बात करें कि मेल या फिर फीमेल, अगर इनकी अपन मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग अगर इनकी क्रॉसिंग करवा कर देखें कि सेक्स का निर्धारण किस प्रकार से होता है, फिर मेल और फीमेल जो होते हैं उनमें उनकी जो संतति होती है, जो जनरेशन होती है, नेक्स्ट जनरेशन किस प्रकार से अपने को प्राप्त होती है, तो ये क्या हो गए, ये महिला के क्रोमोसोम हो गए, ठीक है, ये पुरुष के एक्स वाई, इनके गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, ये अपना वाई है, कैपिटल वाई। अब यहां पर क्या होगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम, यहां पर क्या होगा, एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है, यहां पर एक्स एक्स क्रोमोसोम एंड यहां पर एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है। एक्स एक्स जो है वो अपने क्या है,
एक्स एक्स जो होते हैं वो अपने किसके क्रोमोसोम होते हैं, किसके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के होते हैं ना, स्त्री के, तो ये अपने पास कौन सी संतान होगी, ये लड़की। एंड एक्स वाई किसके है, यहाँ पे एक्स वाई पुरुष के होते हैं तो ये लड़का, यहाँ पर डबल एक्स है तो ये लड़की, और यहाँ पर एक्स वाई है तो लड़का, मतलब 50% चांस है गर्ल, 50% चांस है बॉय। ठीक है, जब जो महिला का जो ओवम होता है, जो अंडा होता है, वो अगर पुरुष के एक्स क्रोमोसोम से निषेचित होता है तो फिर अपने पास कौन सी संतति उत्पन्न होती है, फिर अपने पास पुत्री लड़की जो होती है वो प्राप्त होती है। अगर महिला का ओवम जो होता है, अंडा जो होता है, वो वाई शुक्राणु के साथ में क्या होता है, निषेचित होता है। ठीक है, वाई शुक्राणु के साथ में निषेचित होगा तो किसकी प्राप्ति होगी, तब लड़का या फिर पुत्र की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये कंडीशन होती है जब अपन मानव में लिंग निर्धारण की प्रोसेस देखते हैं, तो ये एक संयोग ही होता है, एक लड़के का जन्म होगा या फिर एक लड़की का जन्म होगा। ठीक है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। ये तो होगी अपने लिंग क्रोमोसोम की बात, सेक्स क्रोमोसोम की बात, और अपने मेंडल के विचलन जो थे वो भी अपन ने कंप्लीट पढ़ लिए थे। एक बार अगर मैं एक एक लाइन के अंदर आपको ये पूरी की पूरी प्रोसेस बताऊं कि इसमें क्या हो रहा था, एपोर्ण प्रभाविता के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, एपोर्ण प्रभाविता के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि जो अपनी F1 पीढ़ी होती है, उस F1 पीढ़ी में मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग प्रभावी लक्षण उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन एपोर्ण प्रभाविता में F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है, कोई तीसरा अन्य कोई लक्षण प्रकट हो जाता है, वो कंडीशन एपोर्ण प्रभाविता होती है। सह प्रभाविता में क्या होता है, मेंडल ने बताया था कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अपने को प्राप्त होता है, लेकिन सह प्रभाविता में भी ऐसा नहीं होता है। सह प्रभाविता में प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों अपना इफेक्ट दर्शाते हैं, दोनों अपना प्रभाव दर्शाते हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है सह प्रभाविता। बहुविकल्पी एलील अपन किसको बोलते हैं, मेंडल ने एक बात बताई थी कि सामान्यतः एक जो जीन होता है उस एक जीन के सिर्फ दो प्रारूप होते हैं। ठीक है, एक जीन के दो प्रारूप होते हैं, लेकिन कई कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि एक ही जीन के एक से अधिक प्रारूप थे, एक से अधिक एलील थे। ठीक है, एक जीन के जब एक से अधिक एलील होते हैं तो उसको बहुविकल्पी एलील बोला जाता है, उस कंडीशन को। घातक जीन के बारे में अपन ने चूहों का एक्सपेरिमेंट लेके मैंने आपको बताया था कि कुछ जीन जो होते हैं वो समयुग्मनजी कंडीशन में क्या होते हैं, घातकता की स्थिति उत्पन्न करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। ठीक है, एंड बहु प्रभाविता के अंदर मैंने आपको बताया था कि अपनी बहु प्रभाविता में क्या होता है, जब एक जीन जो होता है वो एक जीन एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करता है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करता है तो उस चीज को बहु प्रभाविता बोलते हैं। बहु जीनी या फिर मात्रात्मक वंशागति क्या होती है, जब एक ही लक्षण को एक से अधिक जीन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, उस कंडीशन को बहुजीनी या फिर मात्रात्मक वंशागति बोला जाता है। क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर लिंग का निर्धारण करने के लिए जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सेक्स का निर्धारण करने के लिए जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनको लिंग निर्धारण क्रोमोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो आपने आगे डिस्कस किया था कि जो अपने मानव के अंदर लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो मानव में जो पुरुष होता है उसके अंदर पाए जाने वाले जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो आकारी की दृष्टि से समान नहीं होते हैं, इसलिए उन क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है विषम युग्मकी। ठीक है, जबकि फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो आकार की दृष्टि से समान होते हैं। ठीक है, जिस वजह से इनको क्या बोला जाता है, समयुग्मकी बोला जाता है। आगे अपन ने देखा था अगर ओवम, अब महिला का ओवम या फिर अंडा जो होता है वो एक्स युक्त शुक्राणु से निषेचित होता है तो फिर अपने को पुत्री प्राप्ति होती है। अगर महिला का ओवम या फिर महिला का जो अंडा जो होता है वो अगर पुरुष के वाई युक्त शुक्राणु से निषेचित होता है, वाई युक्त स्पर्म से अगर निषेचित होता है, फर्टिलाइज्ड होता है, तो उस कंडीशन में अपने को कौन सी संतान की प्राप्ति होती है, तब अपने को पुत्र की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, मानव में लिंग का निर्धारण होता है। इसी के साथ में अपना ये लेसन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर अपने नेक्स्ट लेसन की बात करें तो नेक्स्ट लेसन में अपन डिस्कस करेंगे मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। ठीक है, गुणसूत्र से संबंधित किस प्रकार की विकृतियां, किस प्रकार के डिसऑर्डर्स मनुष्य में हो सकते हैं, ये अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में एंड अपने नेक्स्ट लेसन में इस चीज की अपन स्टडी करेंगे।